गोधरा रेलवे स्टेशन के बैकयार्ड में हमेशा एक खामोश सा सन्नाटा पसरा होता है। ये वही जगह है जहां साबरमती एक्सप्रेस के जले हुए डिब्बे खड़े हैं। इसमें सवार यात्रियों की चीख पुकार सुनाई नहीं देती, लेकिन पिघली हुई लोहे की छड़ें, राख में तब्दील हो चुकी सीटें और मकड़ी के जालों से घिरे पंखे यही बताते हैं कि कई साल पहले इसी ट्रेन के एक कोच में आगजनी की घटना में 59 लोग जिंदा जल गए थे। 27 फरवरी 2002 को जिस साबरमती एक्सप्रेस के साथ ये हादसा हुआ था, उसके बाकी सारे कोच अपने गंतव्य तक पहुंचे, लेकिन एक कोच वहीं खड़ा रह गया जिसके इर्द गिर्द सुरक्षा बलों का घेरा है। आज भी गोधरा स्टेशन पर जब नीले रंग की साबरमती एक्सप्रेस का नया S6 कोच ठहरता है, तो हर बार लोगों की आंखें इस कोच को देखने के लिए उठ जाती है। 25 फरवरी 2002 को अयोध्या से 2000 से ज़्यादा कार सेवक साबरमती एक्सप्रेस पर सवार हुए अहमदाबाद जाने के लिए, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि एक आम ट्रेन यात्रा भीषण आग और हादसे का शिकार हो गई। नमस्कार और स्वागत है आपका हिस्ट्री फॉर यू पर। कल प्रातःकाल साबरमती एक्सप्रेस गोधरा से चल करके लगभग 1 किलोमीटर जब आगे पहुंची, तब एक भयंकर घटना वहां पर हुई। दरअसल 27 फरवरी 2002 को गुजरात के गोधरा स्टेशन से रवाना हुई साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन में उन्मादी भीड़ ने आग लगा दी थी और इस भीषण अग्निकांड में 59 लोगों की मौत हो गई। अहमदाबाद को जाने वाली साबरमती एक्सप्रेस गोधरा स्टेशन से चली ही थी कि किसी ने चेन खींचकर ट्रेन रोक ली और फिर पथराव के बाद ट्रेन के एक डिब्बे को आग के हवाले कर दिया गया। रेलवे प्लेटफॉर्म पर ट्रेन खड़ी थी, तभी हिंदू परिषद और मुसलमानों के बीच में मुठभेड़ होने पर मुसलमान समुदाय के लोगों ने ट्रेन में हाथापाई करी और रुई के गद्दों को पेट्रोल में भिगोकर उन्हीं ट्रेन के डब्बों में डाला, जिससे उन डब्बों में आग लग गई, जिसके चलते संघर्ष में 59 लोग, जिसमें 9 पुरुष, 25 महिलाएँ और 25 बच्चे थे, जलकर मर गए। ट्रेन में सवार लोग हिंदू तीर्थयात्री और अयोध्या से लौट रहे थे। हालात इस कदर बिगड़े कि तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को जनता से शांति की अपील तक करनी पड़ी। इस घटना के बाद गुजरात के कई इलाकों में सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी थी। उस दिन सुबह वहां शांति थी और गुजरात बंद का ऐलान किया गया था। हजारों लोगों की भीड़ दुकानें बंद करा रही थी। यूं तो सब कुछ शांत था, लेकिन भीड़ धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। 5000 से ज़्यादा लोग सड़कों पर उतर आए थे। थोड़े ही समय बाद दोनों पक्षों में पत्थरबाजी के बाद दंगे भड़क गए थे। लोगों के लाशों को पहचानना तक मुश्किल था। इससे गुजरात में मुसलमानों के खिलाफ एक तरफा हिंसा का माहौल बन गया था। इसमें लगभग 790 मुसलमान एवं 254 हिंदू मारे गए। उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर हिंसा को शुरू करने और निंदा करने का आरोप लगाया गया था, क्योंकि पुलिस और सरकारी अधिकारी थे जिन्होंने कथित रूप से दंगाइयों को निर्देशित किया था और उन मुसलमान स्वामित्व वाली संपत्तियों को सूचना दी थी। पर असल में दंगों के समय पड़ोसी राज्यों से मदद मांगी गई, तो उन्होंने अपने राजनीतिक स्वार्थ को आगे रखते हुए मदद करने से मना कर दिया था। हालांकि भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 2014 में आम चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दे दी गई थी। अब लौटते हैं गोधरा ट्रेन कांड पर। इस केस में 1500 लोग के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। ट्रेन को जलाने के मामले में गिरफ्तार किए गए लोगों पर पोटा लगाया गया था। इस केस में उम्र कैद की सजा काट रहे 27 दोषियों ने जमानत अर्जी दाखिल की थी, जिसमें से 8 की अर्जी मंजूर कर ली गई थी। एक दोषी की अग्रिम जमानत की अवधि को उसकी पत्नी को कैंसर हो जाने के कारण पहले ही बढ़ा दिया गया था। इस केस में विशेष अदालत ने कुल 31 लोगों को दोषी करार दिया था और 63 अन्य को बरी कर दिया था। विशेष अदालत ने गोधरा कांड में 31 दोषियों में से 11 को फांसी और 20 को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। सालों तक चल रहे इस मुकदमे में कई उतार चढ़ाव आए। फिर 22 फरवरी 2011 को विशेष अदालत ने गोधरा कांड में 31 लोगों को दोषी पाया, जबकि 63 अन्य को बरी कर दिया गया। 30 जुलाई 2012 को हत्या के प्रयास में 2 और लोगों को दोषी ठहराया गया था, जबकि 60 अन्य बरी हो गए थे। तो यह थी एक छोटी सी कहानी गोधरा कांड की। और अगर आपको भी ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे एक अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।